होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो ये एक नोटिफिकेशन आई है जो कि ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से है, यानी कि THSTI। आइए आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, और फरीदाबाद 121001 में ये है सिचुएटेड। पोस्ट बॉक्स इसका यही है। तो ये आप देखिए कि यूपी में है ये, और इसमें एक वैकेंसी आई है जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर बताना चाहिए, आपको भी अप्लाई करना चाहिए और कोई भी मौका अप्लाई करने का बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है। यहाँ एक और बात है कि दरअसल ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत आपको रखा जाएगा, एक रिसर्चर के तौर पे, और एक तरीके से ये एक रिसर्च है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए और कैसी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, पोस्ट कैसी है। सीनियर रिसर्च ऑफिसर की एक पोस्ट है, राइट। ऐसे ही करके यहाँ पे 3-4 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि हमारा पोस्ट कहाँ है। तो हमारा पोस्ट जो है ये है रिसर्च ऑफिसर, जो कि एक पोस्ट है। अगर महीने की बात की जाए तो 75,000 रुपीज़ लगते हैं पर मंथ, मतलब आपको मिलेगा। हाँ, और 40 साल का आप, मतलब आप क्लिनिकल पोजीशन के लिए अगर आप बात करें तो 40 साल यहाँ पे रखा गया है। प्रोजेक्ट कोड जो है वो 2 है, यानी कि 2 प्रोजेक्ट कोड, यानी कि ये था प्रोजेक्ट कोड ना, यस 2, यानी कि दिस मल्टी कंट्री, ओके। ये जो है पूरा ये क्लिनिकल, दरअसल जो अभी कोविड चल रहा है उसके ऊपर पूरा रिलेटेड है, जो बच्चे और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये 0-19 ईयर्स एडोलेसेंस बच्चों के लिए भी है। तो उस वहीं आपको पूरा प्रोजेक्ट करना है, और उसी में आपको समझाया जाएगा कि जो कोविड आया उसमें उस किस तरीके से बच्चों को उसने, मतलब कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, यही सब पूरी जो प्रोजेक्ट है, और इस पर स्टडी करना ही रिसर्च ऑफिसर का काम है। तो ये रिसर्च ऑफिसर में आपकी नियुक्ति होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि और क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ साफ साफ लिख दी गई है कि BAMS या BHMS, BDS ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है लाइफ साइंस की तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। खैर जो भी हो, डिजायरेबल जो चीज़ है वो ये है कि एक्सपीरियंस इन सुपरविजन स्मॉल, ओके, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप टीम वर्क में काम कर सकें, या थोड़ा सा नॉलेज आपको MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना चाहिए, MS एक्सेल का होना चाहिए, ये नॉलेज सबको होती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये नॉलेज आपके पास ज़रूर होगी, और यही सब है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, आपको मैं अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे मांग रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ मांग रहा है वो ये है कि, ओके, ये तो पूरा ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी, रिपोर्ट राइटिंग, अपडेटिंग डेटा इनटू एक्सेल शीट, आपके पास जितना डेटा आपके पास कलेक्ट होगा वो सब आपको अपलोड करना है, और सारी प्रोसेस इस तरीके से चलेगी, कोई हार्ड काम नहीं है। आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, और ये नहीं सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट की वैकेंसी है, ये दरअसल बहुत अच्छी वैकेंसी है, यू मस्ट अप्लाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका टर्म एंड कंडीशन। ओके, टर्म एंड कंडीशन कुछ खास नहीं है, ओके। शॉर्ट टर्म का ये एक पोजीशन है जिसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और एज जो है वो 40 रखी गई है, आपने अभी मैंने आपको बताया, और अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि
इसमें और कौन कौन सी चीज़ है, आपको कैसे अप्लाई करना है? तो डॉक्यूमेंट्स टू बी कैप्ट हैंडली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने हाथ में रखिए, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप, एक सॉफ्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज एंड सिग्नेचर, वो सब आपको करना है, राइट। उसके बाद सीवी कंटेनिंग डिटेल्स, जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, पोजीशन हेल्ड अगर आप कहीं पे कर रहे हैं, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका जो भी है, सब कुछ शेयर कीजिए। उसके बाद मैट्रिक, जिस तरह से आपने ट्वेल्थ टेंथ दिया है उसका मार्कशीट डालिए, ट्वेल्थ का मार्कशीट डालिए, ग्रेजुएशन जो आप किए हैं, यानी कि आप BHMS हैं, BAMS है, BUMS हैं, जो भी रहें, और मास्टर डिग्री है तो वो भी डालिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कीजिए, और उसके बाद कास्ट भी ज़रूर डालें, क्योंकि आपको यहाँ बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको कुछ पैसे लगेंगे, ओके। सो पैसे कितने हैं? 236। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, OBC हैं या EWS हैं, तो इतने पैसे आपको लगेंगे। SC ST वुमेन हैं आप, अगर कोई भी हैं, अगर आप एक लेडी हैं, आप अनरिजर्व से आती हैं, OBC से आती हैं, EWS से आती हैं, किससे भी आती हैं, अगर आप वुमेन हैं तो आपको 118 रुपये लग रहे हैं। देखिए, आप एक शॉपिंग भी करती हैं ना, तो 118 रुपये आप इजीली इन्वेस्ट करती हैं। तो गर्ल्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वो इसे अप्लाई करें। और सबमिशन कब होगा? देखिए, एक पोस्ट है, इस पर नहीं जाइए, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले स्टेप आपका ये होगा कि आपको एप्लीकेशन जो है डिटेल्स भरना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जितने हैं उसको अपलोड करने हैं, पेमेंट करना है, आपको कार्ड वगैरह जो भी है आपके पास, उससे आप UPI वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे है आपके पास, पेटीएम है, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो 118 रुपये देने में क्या जाता है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सारे डिटेल्स तो यहाँ पे, ये ख़त्म हो गया पेज, राइट। यहाँ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। यहाँ पे जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, आपको एक ईमेल आएगा कि भाई आपका सक्सेसफुल हो गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके बाद आप उसका एक प्रिंट रख लीजिए, और उसके बाद देखिए, कैंडिडेट मस्ट श्योर ही, जो भी क्राइटेरिया वहाँ पे रखी गई एडवर्टाइजमेंट पे, उस पर आप फुलफिल करें। इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये जो डिटेल्स है वो ज़रूर आपको शेयर करूँगी। नीचे लिंक बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे देखिए इसका PDF, और उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल भी है जो कि personal@thsti.res.in करके है, तो आपको इसमें भी अप्लाई आप कर सकते, मतलब इसमें जाके आप ईमेल में कोई भी क्वेश्चन हो, ऑनलाइन भरना कैसे है क्या नहीं, वो सारे डिटेल्स ये दे देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये काफ़ी अच्छा है, वुमेन को एनकरेज करने का एक अच्छा तरीका है कि आप बहुत कम पैसे ले रहे हैं, जो SC ST का जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट मैंने कहा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो वो है 5 अगस्त 2021, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड और जो भी कैंडिडेट आगे आएंगे उसको प्रोसेस किया जाएगा सिलेक्शन को। तो ये तो थी पूरी कंडीशन जैसे कि आपने देखा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप भरिए, उसके बाद वो खुद ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे किन किन को उनको लेना है, वो खुद ही आपको ईमेल करेंगे। कई लोगों का ये कहना है कि हमने तो फॉर्म भर दिया उसके बाद क्या, तो उसके बाद वो खुद आपको बोलेंगे कि आइए मिलिए हमसे, राइट। या अगर उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि एक पोस्ट है, तो उनका भी नज़रिया होगा कि कम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो फिर वो एक इंटरव्यू लेंगे। आजकल तो इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत अलग अलग हो गया है, इंटरव्यू का प्रोसेस हो गया है कि आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि ऑनलाइन फ़ोन से हो जाता है, सब तरीके से इंटरव्यू हो जाता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं वो लोग। तो टेंशन नहीं लीजिए, एक एप्लीकेशन भरना तो बनता है, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ज़रूर भरिए। ऑल द बेस्ट, फिर नए एक किसी और
वैकेंसी के साथ मिलते हैं।